बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के लिए साल 2023 काफी अच्छा चल रहा है। उनकी जनवरी में रिलीज हुई पहली फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाकर रख दिया है। इस फिल्म के बाद 7 सितंबर को शाहरुख एक बार फिर जवान के साथ सिनेमाघरों में लौटे हैं और उनकी फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर भी जवान बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। हालांकि इस बीच अब बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने उनके फैंस को चिंतित कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। वहीं समाचार एजेंसी ANI ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शाहरुख को मिली सिक्योरिटी पर महाराष्ट्र पुलिस का बयान शेयर किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने शाहरुख को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। धमकी के बाद जवान एक्टर को Y+ सिक्योरिटी देते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस रिपोर्ट्स में ये भी बताया है कि शाहरुख ने लिखित तौर पर राज्य सरकार को ये शिकायत की थी कि पठान और जवान के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। बता दें कि जवान स्टार्टर शाहरुख से पहले बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान को भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। धमकी के बाद Y+ सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई गई थी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए भाई टॉक को अभी सब्सक्राइब करें।